फ्रेंड्स, आप सभी का सुकून दोपल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो टीबू चाइना फ्लावर के बारे में है, जो कि समर का एक बहुत ही खूबसूरत फूलों वाली प्लांट है। इस प्लांट का कॉमन नेम पेगम बहार है। इसका और भी कई नाम है, जैसे प्रिंसेस फ्लावर, ग्लोरीबस, पॉपल ग्लोरी। यह प्लांट देखने में जितनी खूबसूरत है, वैसा ही इसका नाम भी है। आप प्लांट को जब खुद लगाएंगे तभी जान पाएंगे कि इसे इन नामों से आखिर क्यों बुलाते हैं। यह समर का एक बेहतरीन फूलों वाली प्लांट हो सकता है। बेगम बहार एक परमानेंट ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग प्लांट है, यानी सालों भर ये पौधा आपके गार्डन में बने रहेंगे। और इसमें फूल फरवरी मार्च से खिलना शुरू हो जाते हैं और मानसून तक खूब खिलते हैं। उसके बाद इसके फूल खिलने की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती है। विंटर में कुछ महीनों के लिए यह प्लांट डोमेसी में चले जाते हैं, यानी इसके पत्ते झड़ जाते हैं और प्लांट भी कमज़ोर सा दिखता है। लेकिन जब ही फरवरी मंथ शुरू होती है, इनके ऊपर नए पत्तों की बहार आ जाती है। छोटी छोटी इनमें कलियाँ और फूल बनना शुरू हो जाता है। और आज के वीडियो में मैं बेगम बहार के से प्रॉब्लम और उनकी केयर के बारे में बात करूंगी। जो भी गार्डेनियर बेगम बहार प्लांट को पहली बार लगाते हैं, तो उनको इन प्रॉब्लम से ज़रूर फेस करना पड़ता है। उन्हीं की समाधान इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। हम बेगम बहार के प्लांट को नर्सरी से खरीद कर लाते हैं और वहाँ पर ये प्लांट बहुत ही अच्छी हालत में आपको मिल जाती है। उनके ऊपर ढेर सारी कलियाँ और फूलों के साथ होती है यह प्लांट। पर जैसे ही आप उस सुंदर से प्लांट को रिपोर्ट करते हैं, तो करीब दो तीन दिनों बाद या हफ्ते दिन बाद आप पाएंगे कि उनकी सारी कलियाँ और पत्तियाँ गिर चुकी हैं। ऐसे में देख के हम लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। मैं भी इस प्रॉब्लम से कभी फेस की थी। लेकिन इनसे बचने का उपाय क्या है ताकि ये प्लांट हमारे गार्डन में ऐसे ही सुंदर ढेरों कलियों और फूलों से लदे रहे, इसके लिए आपको एक काम करना है। जब भी आप इस प्लांट को नर्सरी से खरीद के घर लाते हो, तो तुरंत इस प्लांट को रिपोर्ट नहीं करें। जब उनमें ढेर सारी कलियाँ लगी हो, उस समय तो बिल्कुल नहीं करें। एक हफ्ते के लिए आप बेगम बहार प्लांट को अपने अन्य फ्लावरिंग प्लांट के साथ रख दें, उसके बाद आप इस प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। और बेगम बहार सन लविंग प्लांट है। सुबह की 4-5 घंटे की धूप में भी यह अच्छी फ्लावरिंग करता है। और मई जून के मंथ में बहुत तेज़ धूप होती है, उस समय आपको इस प्लांट को बाकी उसी जगह पे रखिए जहाँ पर सिर्फ सुबह की 4-5 घंटे की धूप आती हो। प्लांट को दोपहर की तेज़ धूप से बचाना है। बहुत तेज़ धूप में इनके पत्ते की टिप सूखने लगती है। और गमले की मिट्टी के ऊपर आप सूखे हुए पत्तों का मल्चिंग कर सकते हैं, इससे मिट्टी में ठंडक और नमी बनी रहेगी। विंटर के समय आप इसको पूरे दिन धूप में रख सकते हैं। वाटरिंग का खास ख्याल रखें, जैसे कि जब भी आपको इसको पानी देना है तो गमले की मिट्टी को चेक कर लें। कम से कम आधे इंच तक की मिट्टी सूखी लगे तभी आप पानी दें। ओवर वाटरिंग से भी यह पौधा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। और जब भी प्लांट में कलियाँ बनने लगे और फूल बनने लगे, तो उस समय आप इसके पॉट में हर 15-20 दिनों के बाद ऑर्गेनिक कंपोस्ट, जैसे वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट या पत्तों का कंपोस्ट में थोड़ी मात्रा में बोन मील मिलाकर आप दें। और फिर या नहीं तो बनाना पिल का पाउडर भी दे सकते हैं। और आधा चम्मच आप एप्सम सॉल्ट का 10 इंच के गमले में भी आप डाल सकते हैं। इतना कुछ खास ख्याल रखेंगे अपने प्रिंसेस प्लांट को, तो जरूर ये प्लांट अपने पर्पल कलर के ढेर फूलों के साथ आपके गार्डन की ब्यूटी में 4 चांद लगा देगी। इस बेगम बहार प्लांट के ऊपर मेरे चैनल पे पहले से वीडियो है, जिसमें सारी जानकारी इस प्लांट के बारे में है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। और बड़ी मेहनत से ऐसी वीडियो आप सभी के सामने पहुंचती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी खूबसूरत फूलों के साथ।